फिर अंदर चलते हैं। भीड़ वैसे ज्यादा, ऐसे लोगों से अवेयर रहा करो, मत दिया करो। ठीक है, हट गया। तो भैया अभी पता क्या हुआ, ये शनिवार शनिवार करके ना एक बाबा आया, ढोंगी बाबा, और ये सही दिखाते हैं, जो लोग दिखाते हैं ना बहुत सही दिखाते हैं। एक ढोंगी बाबा आया, उसने टीका लगाया, कह रहा कि क्या नाम है बता, सरप के नाम पे दे दो, सांप दे का मैं वो नाग देवता ये है वो है, तो ना बहुत देर से पीछे पड़ रहा। मैंने कहा चल 10 रुपये निकाल के दे देता, मैं 10 रुपये निकाल के दे दिए। फिर उसने वो कह रहा कि ना सबसे बड़ा नोट पर्स से ना सबसे बड़ा नोट निकाल करके और मतलब इस पर लगा दो और रख लो अपने पर्स में। भाई मैंने कहा मैं रख नहीं रहा था, फिर मैंने कहा चल रख ही लेता हूँ, है ना, मैंने ऐसे लगा के रख रखा। उसने नोट पकड़ा, ठीक है, और वो मंत्र वंत्र फूकने लगा और बातें बातें करने लगा, ऐसे ही कहना मैं मतलब शनि की वो हो और ये दुख हट ले और ये वो, मतलब ऐसे करके अपने तरीके से जैसे वो फंसाते वैसे फंसाने लग गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसने ना वो पर्स वो 500 का नोट। हेलो जी, हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। विनीत स्वागत करता है आपका एक नई वीडियो में। शाइन देख रहे हो क्या, मतलब धूप की क्या शाइन आ रही है, मस्त एकदम। अरे यार सॉन्ग बचा रहे हैं, थोड़ा साइड में आ रहे हैं, हाँ तो कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। चलो अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, नीचे ही बात करते हैं। तो भैया फिर आज निकलते हैं, आज कहाँ जाए, आज मेरा मतलब बहुत दिनों से मन था और फिर मैंने सोचा कि चले ही जाते हैं। तो आज जा रहे हैं खाटू श्याम, है ना, अलीपुर का, और दिल्ली का अलीपुर का खाटू श्याम मैंने शायद व्लॉग में नहीं डाला है, मैं पहले भी जाके आ चुका हूँ लेकिन वो वीडियो में फिर डाल नहीं पाया था, तो वो वीडियो फिर मैंने सेव कर दी, कभी मौका लगेगा तो दोबारा डाल देंगे। ठीक है, कोई रीज़न था इस वजह से नहीं डाल पाया था, तो आज फिर से जाते हैं अलीपुर जा रहे हैं। ठीक है, तो अलीपुर घूम करके आते हैं, तो मैं घुमाते हैं अलीपुर दिल्ली का कैसा है, और देख करके मजे लेना, और जो भी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और टैग कर देना जिसको भी बताना चाहते हो कि दिल्ली का अलीपुर यहाँ पर है, जाओ भाई जल्दी जाओ खाटू श्याम, खाटू श्याम लवर्स, है ना, ये रहे हमारे खाटू श्याम। तो गोविंद, तो ठीक है मैं फिर निकलता हूँ, अभी तैयार व्यार हो जाता हूँ, यार तो हो गया वैसे, मैं सुबह उठ गया था। ओ ओ ओ, कौन सा वाला बटन बंद होगा, ये वाला, एक तो हमारे घर हमें नहीं पता बटन कौन सा, ये वाला, अरे हुआ बंद, हो गया, हमें नहीं पता। तो चेक करो जिसको भी बताना चाहते हो कि भाई दिल्ली के खाटू श्याम है वहाँ पर, अलीपुर, अलीपुर में जो राजस्थान नहीं जा सकते, ठीक है, वो दिल्ली अलीपुर हो जाओ। ठीक है, बाबा तो सब जगह एक जैसे है, तो जाना घूमना, और अगर चले जाओ मेरे व्लॉग के थ्रू जाओ, बता दूंगा मैं रूट भी बता दूंगा, ओला उबर से भी जा सकते हो, मेट्रो से भी जा सकते हो, रिक्शा करके भी जा सकते हो, बसेस वगैरह भी हैं, तो जैसा आपका मन करे वैसा जा सकते हो। तो मैं निकलता हूँ, मेरी ओला आ गई, फ़ोन आ रहे हैं, ठीक है चलो, ठीक है फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर, मैं बता दूंगा रास्ता, बता दूंगा अलीपुर में ज़्यादा करना नहीं करना का मतलब बता दूंगा मैं। ठीक है, हट गया। तो भैया अभी पता क्या हुआ, ये शनिवार शनिवार करके ना एक बाबा आया, ढोंगी बाबा, और ये सही दिखाते हैं, जो लोग दिखाते हैं ना बहुत सही दिखाते हैं। एक ढोंगी बाबा आया, उसने टीका लगाया, कह रहा कि क्या नाम है बता, सरप के नाम पे दे दो, सांप दे का मैं वो नाग देवता ये है वो है, तो ना बहुत देर से पीछे पड़ रहा। मैंने कहा चल 10 रुपये निकाल के दे देता, मैं 10 रुपये निकाल के दे दिए। फिर उसने वो कह रहा कि ना सबसे बड़ा नोट पर्स से ना सबसे बड़ा नोट निकाल करके और मतलब इस पर लगा दो और रख लो अपने पर्स में। भाई मैंने कहा मैं रख नहीं रहा था, फिर मैंने कहा चल रख ही लेता हूँ, है ना, मैंने ऐसे लगा के रख रखा। उसने नोट पकड़ा, ठीक है, और वो मंत्र वंत्र फूकने लगा और बातें बातें करने लगा, ऐसे ही कहना मैं मतलब शनि की वो हो और ये दुख हट ले और ये वो, मतलब ऐसे करके अपने तरीके से जैसे वो फंसाते वैसे फंसाने लग गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसने ना वो पर्स वो 500 का नोट था, ठीक है, और अभी दिखाता हूँ मैं, प्रूफ दिखाता हूँ, रुको। तो 500 का नोट था, उसने ना उस घर रुद्राक्ष बना करके ना और मेरे हाथ में पकड़ा दिया और कह रहा कि अब नहीं मिलेगा। मैं कहा अब नहीं मिलेगा, मैंने कहा अभी कंप्लेंट कर रहा हूँ, रुक जा तू अभी, कह रहा मार लो जितना मर्जी लेकिन अब नहीं मिलेगा वो नोट। मैंने कहा रुक जा मैं अभी कंप्लेंट कर रहा हूँ, मार के तेरे को मेरे को क्या मिलेगा। तो भाई 500 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट उसने ऐसे गायब कर लिया, मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ। तो ये देखो वेरा ऐसे गुड़ी मुड़ी कर दिया, ये नोट ऐसे गुड़ी मुड़ी करके और अंदर रख लिया और रुद्राक्ष बना दिया उसका। भाई ऐसे लोगों से अवेयर रहा करो, मत दिया करो सालों को, चाहे कितना भी मांगे किसी को मत दिया करो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है देने की। शोर आ रहा होगा बेशक, समझ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बता दिया, मेरे साथ होते होते वैसा है, मैं मारता जाड़े को, मैं और क्या करता, ऐसे ढोंगी पोंगी तो मैं जाने थोड़ी नहीं देता, मैं उसका वो कुंडला सब धर लेता
और बना देता उसे, उसे ही नाक बना देता अभी। चलो ठीक है। लो जी आ गई बहन कैब। OTP बताऊं भैया? बड़ी देर हो गई भाई, जा बैठूंगा भाई। जो अभी ट्रेजेडी होती है ना वो खतरनाक वाली होती है भाई। पैसे की दिक्कत नहीं, लेकिन वो भाई साहब धीरे धीरे करके ना पूरे पैसे निकलवा लेता, 500 करके सारे नोट निकलवा लेता। ठीक है कोई बात नहीं, वो दोबारा दिखा नहीं। मैंने कहा अभी बुलाऊं पुलिस को, अभी रुक जा मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। 500 रुपये देखे वो गोली हो गया, फिर दोबारा नहीं दिखा, वो भाग गया। वीडियो बना, जब तक मैं वीडियो बनाता तब तक मत दिया करो, अपना अपने सेफ्टी अपने पास है तुम्हारे पास, और इसी वजह से लोग देते भी नहीं है। ठीक है सही करते हैं। चलो मैं कैब आ गई, भाई आ गए हमारे लेने, और फिर निकलते हैं, फिर पहुँचते हैं वहाँ पर कार्टू शॉप, है ना। कभी देखा नहीं है ना वैसे मेरे ब्लॉग में, अब देख लो। ये फ्लाई ओवर है, यहाँ से यू टर्न ले करके फिर इस तरफ से जाना है। धूप आ गई, मैं दिख रहा हूँ यहाँ आ गए। फिर अभी फ्लाई ओवर से नीचे कट ले करके 1 मिनट का रास्ता और है, फिर अभी पहुँचते हैं आराम से। लो जी हो गए आ गए, और आप भी भाई ध्यान रखना आगे से, है ना। हाँ बाबा बुआ का भाई आप भी ध्यान रखना, ऐसे नहीं मिलता कोई, है नहीं क्या कैश कुछ चेंज है नहीं यार, बाबा वाला नोट क्यों दे रहे हो। अरे भाई तुम आगे दे देना, बाबा वाला नहीं है वैसे, मेरा ही नोट है भाई, वो उसे छीन लिया मैंने तुरंत ही, फंस जाते आज 500 रुपये चले। थैंक यू सो मच भाई। भाई पार्क मतलब देखो ये रहा पीछे, मस्त है ना। और अपन ने अभी शूज़ वगैरह उतारते हैं, देखो यहाँ पर ये बाहर लोग भी बैठे हैं, इनको भी दे सकते हो आप लोग, और वैसे भी मतलब अंदर भी है सेवा तो वहाँ पर भी दे सकते हो। बढ़िया एकदम मज़ा आ गया, लेकिन भाई हमेशा ज़रूर ध्यान रखना है ऐसे बाबा उससे दूर रहना। मेरा लास्ट था, मैं वाकई बता रहा हूँ, मेरा वाकई में लास्ट था, जो मैं आज ना मतलब ऐसे बाबाओं के चक्कर में फंसाऊँ दोबारा नहीं फंसूँगा। इलाज फंस गया तो फंस गया, अब नहीं फंसूँगा। ठीक है चलो अब मैं शूज उतार लूँ फिर अंदर चलते हैं। भीड़ वैसे ज़्यादा है कि यहाँ तो रहती है वैसे, ठीक है, लेकिन शनिवार है आज थोड़ा कम हो गया पता। ये लो जी आ गए, जी आ गए खाटू श्याम। ये द्वार है, भीड़ हो रही है बढ़िया, और ये मेन हाईवे है, ये मेन हाईवे है करनाल बाईपास के, तो यहाँ से यू टर्न लेकर के वहाँ से आए हैं, इसी के आगे जा कर के यू टर्न है, यू इस तरफ से आ कर के ऐसे, ठीक है लेफ्ट टर्न में ही है, फिर नीचे से फ्लाईओवर के नीचे से फिर यहाँ आ जाओ, और यहाँ पर जूते उतार सकते हो, उसके बाद फिर यहाँ पर चेकिंग वगैरह करनी है। तो अभी बढ़िया दर्शन करते हैं अपन, है ना। कैमरा गंदा हो रहा है, रुको हाँ ठीक, अब ठीक आ रहा हूँ ना, तब कैमरा थोड़ा गंदा हो रहा था, भीड़ ज़्यादा नहीं है, ठीक है नॉर्मल भीड़ है, मेरे हिसाब से भीड़ शायद संडे को ज़्यादा रहती होगी, है ना। गेट नंबर 1 से एंट्री करनी है, और ये देखो द्वार ऐसा है, सजावट वगैरह भी अच्छी कर रखी है वैसे, डेकोरेशन तो खतरनाक ही है, मैं पहले होके आ चुका हूँ। ये देखो सामने एक कुंड बनेगा मेरे हिसाब से, ये नीचे अगर कोई बनेगा तो। चेंज पड़े हो तो चेंज डाल देना, है ना। जय हो कृष्ण, जय हो नारायण। सुंदर सुंदर यही तो चंदन मुझे पसंद है भाई, क्या खुशबू, मतलब ना चंदन लग गया खुशबू आ रही है मस्त एकदम, मजा आ रहा है। यहाँ पर आकर के तो मैं मस्त मस्त हो जाता हूँ, एकदम झूमने लगता हूँ मस्त एकदम। टॉप्स लगी हैं भाई, निशान भी रखे हैं, निशान कहते हैं इसको, ये जो झंडे इनको निशान कहते हैं। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर खाने का, ये मैंने ये यहाँ पर खाने का है, पहले 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 पूजा पाठ करो फिर खाओ, इसको देख करके लोगों का वैसी जी ललचाता होगा। कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी वाकई में यहाँ की बढ़िया है, यहाँ से प्रसाद लेकर प्रसाद ले लें, ले रहे हैं यहाँ से प्रसाद। जी मैंने फूल ले लिए, नारियल ले लिया, और ये इत्र दिख रहा होगा तुम्हें, नहीं दिख रहा तो अभी इस वाले हाथ में रुको अभी दिखाता हूँ, ये देखो ये रहा इत्र, सी पहचान गया, ये रहा इत्र। अब बाबा के पास जाएंगे ऐसे ले करके, खाटू श्याम बाबा की जय। बाबा आ रहे हैं अभी, देखो आई लव यू, देखो आई लव यू, आपके लिए गुलाब भी लाया और ये इत्र भी लाया, तो
तो देखो वो रे अंदर, वो रे अंदर, वो वहां से उसके अंदर से एंट्री है। और मैंने गुलाब ले लिया बाबा के लिए। और यहाँ से ये है, ठीक है, यहाँ ये शक्तिपीठ है। यहाँ पर बहुत बड़े इनके वो हैं, मतलब बहुत, मैं अभी बताऊंगा आगे जाकर के, मैं भूल गया क्या था लेकिन मैं बताऊंगा। दान पात्र, ये घंटिया है यहाँ पर। ये है शक्तिपीठ। ये देखो जी, निशान है यहाँ आगे। जाइए जाइए जाइए, सब लोग आगे। ओ गिर गया, उठा ले। जय हो खाटू श्याम महाराज की, जय हो, जय हो, जय हो। ये है जिनको मन्नत मांगनी होती है, जिनको अपना घर बनाना होता है ना, सब कुछ। तो यहाँ पर ऐसे ये लोग घर बना लेते हैं अपना आ करके, और यहाँ पर अपनी मन्नत मांग करके चले आते हैं। और बाबा की, और बाबा की दया ऐसी है जो बन भी जाता है, सब काम पूरे हो भी जाते हैं। लोगों की श्रद्धा ऐसी है जो लोग हर बार आते हैं, बार बार आते हैं, मन्नत मांगते हैं, मकान घर के लिए अर्जी देते हैं, पूरी हो जाती है। यही है खाटू श्याम में ही है सर। तो मैं प्रसाद देता हूँ, आप भी खा लो। मज़ा आया ना दर्शन करके? अब जो नहीं मानता उनको कैसे मज़ा आएगा, जो मानता उन्हें तो मज़ा आएगा। ये देखो बैक साइड पे, यहाँ पर फोटो वगैरह, ये फोटो के लिए यहाँ पर ये पुल है जो अपना मतलब बना रखा है अच्छे से, है ना। और ये अच्छे से दिखाता हूँ, रुको एक सेकंड। ये देखो जय हो खाटू नरेश की, ये देखो जय हो। और लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। ये बड़ा है ना, इस वजह से लगता नहीं है लोगों को कि ये बड़ा है, इसलिए लोगों को लगता है कि ये छोटा है, मतलब लोग कम आते हैं। क्योंकि लोग वाकई में बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से लगता नहीं है ना। और ये देखो, यह है, यह है एरोप्लेन। देखो रियल का लग रहा है ना, रियल का लग रहा होगा ये, है ना। और ये देखो, ये देखो ट्रेन, अभी पास जाते हैं, इसके पास जाएंगे अभी यहाँ पर। और यहाँ पर पूरा इवेंट वगैरह हो रहेगा, ये पूरा पक्का कर देंगे मेरे हिसाब से तो। और ये जय हो भोलेनाथ, ये देखो भोले बाबा है यहाँ पर। ये फिर पूरा मतलब पक्का कर रखा है। और ये देखो, अब ये पूरा पक्का बनाया जाएगा वैसे मेरे हिसाब से तो, है ना। ये देखो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
मैं लिटरली बता रहा हूँ, बनेगा ना तो बहुत बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया बनेगा ये किसी दिन, जब भी बनेगा ये। और ये देखो यहाँ पर ये इस तरीके से आया जाया करेगा जब ये क्या यहाँ पर ये शायद पता नहीं क्या है यहाँ पर, ये देखो छोटी छोटी कुटिया बनी हुई है, ये छोटी छोटी कुटिया बनी हुई है यहाँ पर, ये देखो सुंदर है ना ऐसे यहाँ पर। लेकिन ये अंदर जाने नहीं देंगे वीडियो बनाने के लिए, चलो कोई बात नहीं। वैसे भी मैंने पहले बहुत वीडियो बना ली थी, काम वर्क पे है, सब बढ़िया है। देखो और अभी ना मैं जहाँ पर खेला था ना, मैं जहाँ जिस रेत में खेला था ये यहीं पर है, लेकिन ये रेत हटा दिया गया है। ये देखो जी ये छत्तीसगढ़ श्याम कुंड, ये छत्तीसगढ़ श्याम कुंड कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? अरे कैस्टा, अरे ना देखो लग रहा ना रियल का, रियल का लग रहा ना, बनाया है ऐसा है। अब इसको पूरा फाइनलाइज हो जाएगा ना, ज़्यादा देखने में मजा आएगा। ऐसा मेरा आ रहा होगा, लाइट आ रही थी ऐसे, तो ऐसे तब ज़्यादा देखने में मजा आएगा। और अभी भी मज़ा ही आ रहा है, अच्छी मिट्टी है, मेरे को वैसे भी मिट्टी की सब मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देख लेते हैं, ये है प्लेन, ओ सॉरी ये है प्लेन, देखो ऐसे देख, ऐसे देख, ओ ये है प्लेन एकदम, टायर वगैरह सब ओरिजिनल, सब ओरिजिनल, ओके रिपोर्ट है, फ्लाइट ले लो यहाँ से डायरेक्ट राजस्थान की। तेरी का भाई साहब, यहाँ पे छोटे छोटे कार्ट लग गए हैं, कांजी वड़ा स्वीट कॉर्न इतना सब कुछ है यहाँ पर, ये देखो। आओ भाई आओ, एक बार ज़रूर आना, जोनिया है ज़रूर आना। वो सामने देखो वासुदेव ने जो कम गोवर्धन उठाया था ना, वो है वहाँ, काज ने गोवर्धन उठा लिया था, ये देखो। और ये क्या है, ये वाड़ी, ये क्या है, ये क्या है गाइस, ये क्या है, ये क्या है, ओहो नाइस, बट आई डोंट नो व्हाट इज दिस। अच्छा मनोकामना, मनोकामना मांगनी हो तो देखो यहाँ पर नंदी जी महाराज बिठा रखे हैं इन्होंने। और ये है देखो, ओहो हो मज़ेदार, सभी ग्वाले पूरा गोवर्धन पर्वत पर जो उठाया था वो नाइस। और यहाँ पर देखो कम है गौशाला है, ये देखो सही से देख लो भाई साहब, मज़ा एकदम। ये गौशाला है यहाँ पर, यार कैसी बैठी, कितनी क्यूट लग रही है सारी, वाह क्यूट लग रही है सारी। और ये देखो गोवर्धन, यहाँ पर सब खाने पीने का मस्त एकदम, देखो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज रख रखी है यहाँ पर, ये ऐसे यहाँ से आते यहाँ पर झूला है ऐसे। और ये देखो घंटा कितना बड़ा है, 800 किलो का घंटा है, आठ धातुओं से बना हुआ है, ये बंद कर रखा है अभी तो। हाँ मतलब वो हो गया ना, एक बज गया है। और भाई टाइमिंग की अगर बात करी जाए तो टाइमिंग की बात करी जाए तो भाई 7 बजे से 1 बजे तक रहता है, फिर उसके बाद 3 बजे से लेकर 8 बजे तक रहता है, ये टाइमिंग है यहाँ की। और देखो सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, इतनी पीछे तक भीड़ है, तब तक लोग अपना एंजॉय करते हैं यहाँ पे, बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं ये कब खुलेगा, और ये 3 बजे खुल जाएगा। दर्शन भी हो गए अच्छे से है ना, उसके बाद अब चलते हैं घर। और क्या ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया, बहुत तेज़, मतलब बहुत तेज़ ही नॉर्मल हवा चल रही है। अपना कचौड़ी और खाएंगे, यहाँ की कचौड़ी फेमस है ना, है ना कचौड़ी फेमस है ना भैया, मामा मिश्री वाले भैया। कचौड़ी और खाएंगे और फिर देखते हैं, फिर ना मेरा मन है एक दो जगह और घूमते हैं, तो अगर मौका मिला तो फिर मैं वहाँ पे भी जाऊँगा। जय हो, चलते हैं अभी। दो दे दो, दो ये लो, दो दो कचौड़ी भाई, पहले तो ऐसे मिल जाते हैं, टोकन लेना पड़ता है। छोटे छोटे काउंटर लगे हैं यहाँ पर भी, मैंने वहाँ से नहीं खाया, मैं यहाँ से खा लिया क्योंकि यहाँ की कचौड़ी बढ़िया थी, 30 रुपये प्लेट कचौड़ी है यहाँ पर। और ये देखो यार मेरे को तो बढ़िया लगती है, बाकी फोड़ करके खाऊंगा, मेरे को फोड़ करके खानी पसंद है, वैसे इनके आते नहीं तो इसलिए। बाय बाय बाबा, बाय बाय, फिर से आएंगे। अब मैं अपने शूज़ ले लूँ, शूज़ ले लूँ, टोकन ले रहा मेरा भाई, काला सा आ रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, बैटरी रिक्शा में बैठ गए, यहाँ से नियरेस्ट जहांगीरपुरी का मेट्रो स्टेशन है वहाँ पहुँचते हैं। और अभी अंकल ने कमाल कर दिया भाई, मतलब अभी दोनों में कंपटीशन हो गया,
एक रिक्शा वाला कह रहा 150 रुपए, दूसरा कहता